बंटवारे वाले ट्वीट को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोच बंटवारे की ही है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान और महापुरुष जियो और जीने दो का संदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही हाल ही में टिप्पणी की थी कि भारत की जो पुरातन परंपराएं हैं वो सांप्रदायिक सरकार की परंपराएं और जियो और जीने दो की परंपराएं हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान संविधान और महापुरुषों की सोच से अलग है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही बंटवारे का है, घृणा का है, नफरत का है। और मैं मानता हूं कि देश का जो संविधान है वो एकता और अखंडता की बात करता है। देश का संविधान जोड़ने की बात करता है। भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं भी जोड़ने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल ही कहा है चरणचूड़ जी ने, कि देश की प्राचीन जो इतिहास है वो जियो और जीने दो वाला है। तो मैं मानता हूं कि ये इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे महापुरुषों की बात, इतने सारे धार्मिक जो परिवार के हमारे आदर्श हैं, उनके विचार, उनके संस्कार से बड़े नहीं है कैलाश जी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया है कि कांग्रेस मजबूत है। विश्वास सारंग गलत कह रहे हैं कि दोनों सीटें भाजपा जीत रही है। मंत्री रामनिवास रावत पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सब कुछ दिया फिर भी उनका पेट नहीं भरा है। सुनिए। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मेरे साथ हैं। सर, आपके यहाँ दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कल यहाँ पे मंत्री थे विश्वास सारंग साहब, वो दावा कर रहे हैं कि हम बुधनी भी जीत रहे हैं और विजयपुर इसलिए जीत रहे हैं कि रामनिवास रावत साहब मोदी जी की नीतियों की वजह से और रीतियों की वजह से पार्टी में आए। कांग्रेस दोनों में नहीं जीत रही, उनका कहीं कोई मनोबल है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले दो तीन महीने से पूरी पार्टी लगी हुई है, संगठन लगा हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही लगे हुए हैं, सब लोग लगे, हम लोग हैं। तो ये कहना गलत है विश्वास सारंग जी का कि दोनों सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस मजबूत है। और रही बात ये कहना चाहूँगा रामनिवास रावत जी की, तो अब कभी कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया और उसके बावजूद भी अगर उनका पेट नहीं भराया तो ये तो रावत जी जाने। विश्वास सारंग जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अपना पहले डिपार्टमेंट तो संभाल ले। भ्रष्टाचारी लोगों को स्टार बनाते हैं, तो क्या स्थिति है प्रदेश में आप समझ। और राजधानी भोपाल के लोगों को एक और आपको बताएं सौगात मिलेगी। मंत्री विश्वास सारंग ने प्रस्तावित निषादपुरा कोच फैक्ट्री के पास आरोपी निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे और इस आरोपी के बनने से करीब 15 लाख लोगों को फायदा होगा। आरोपी भोपाल प्लेटफॉर्म एक द्वारका नगर से छोला तक पहुंचेगा। निषादपुरा आरोपी देश के लिए इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण भी बनेगा। विधानसभा और भोपाल को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। ये मेरा सपना था कि हम स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक के क्षेत्र को करोद और छोला से जोड़े। ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से हम कर रहे थे। एक आरओबी बनाकर ये संपूर्ण क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे थे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो सपना आज हमने साकार किया है। देश का ये एक इंजीनियरिंग का एक बड़ा नमूना और उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगा। प्लेटफॉर्म नंबर एक छोला, प्लेटफॉर्म नंबर एक द्वारका नगर क्षेत्र से खेड़ापति हनुमान जी महाराज के मंदिर छोला के प्रांगण में ये आरओबी बनेगा। 6-6 रेलवे ट्रैक से निकलने वाला ये देश का अपने आप में एक ही आरओबी हो। इंदौर में अंकिता राठौर और हसनैन की शादी को रोकने के लिए इंदौर में सद्बुद्धि यज्ञ कराया जा रहा है। हिंदू संगठन शिव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि अंकिता राठौर और शादी के लिए मना कर दे। हिंदू संगठन हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यज्ञ कर रहे हैं। पोस्टर में कई तरह से स्लोगन लिखे हैं जिनमें लिखा है जिहादी से बचाना है, अंकिता को घर लाना है, अंकिता की घर वापसी हर हाल में करवाना है, फिर हिंदू नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े। हम है ना ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे भविष्य में जो मुस्लिम युवकों द्वारा लव जिहाद फैलाया जा रहा है उसको लेकर जो लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ शादियां की जाती है और बाद में वही लड़कियां 35 टुकड़ों में फ्रिज में कभी सूटकेस में मिलती है। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि लड़कियों को भी
और राजगढ़ में एक किसान परिवार कई सालों से सीमांकन को लेकर भटकने के बाद पचोर तहसील कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर परिवार सहित बैठा है। किसानों की माने तो राज्य मंत्री का आश्वासन भी काम नहीं आया। और आइए